इंदिरा इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुई है, जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, बट कैसे कहाँ पर जा करके करनी होती है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो स्टार्ट करता है। कैसे करनी होती है, आप अपने ब्राउज़र से google.com ओपन करें, इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड 2022 IAS पेपर। अब आपको ये टाइप करनी होगी, ये एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इंदिरा इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं आपको सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं, आप जब सर्च करते हैं, सर्च करते ही ये फर्स्ट वाले जो लिंक है इस लिंक पे ही क्लिक कर देनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है IAS पर, जैसे ही क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होते हैं जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। IAS पर का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेशंस रिजर्व ओके रिलीज PGDM कोर्स अप्लीकेशंस फॉर्म और हैज़ बीन रिलीज इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो सबसे पहले जो फॉर्म आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर आप फिल करना होता है, जहाँ पर आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी कितनी, और आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप ये क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2022 के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। ओके, तो इसे कट कर देना होता है। अप्लीकेशन रिलीज, ओके, क्लिक हियर टू चेक अप्लीकेशंस डिटेल्स। अब यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा जो आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 4th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, तो इन सारे के सारे यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। अप्लाई नाउ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो है पूरे देश के बच्चे यहाँ पर अलग अलग देशों से पढ़ने गए, मतलब अलग अलग जो सिटी हैं, स्टेट्स हैं, अलग अलग दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं ताकि बेस्ट क्वालिफिकेशंस ले सके, एजुकेशन ले सके प्रोफेशनल टाइप्स में। तो आप उनके साथ जब पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखते हैं, घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि ज़रूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। सो काफ़ी इजी, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किए। फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स आ जाएंगे। डिटेल्स आने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं एंटर योर नेम, एंटर ईमेल एड्रेस एंड एंटर द मोबाइल नंबर। अब सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी स्टेट, आप कौन से स्टेट से हैं। ओके, सेलेक्ट योर सिटी, आप किसी भी सिटी से हैं, जिस किसी भी सिटी से आप रहेंगे वो सिटी सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप योर कैप्चा देख सकते हैं, कैप्चा यहाँ पर जो देख सकते हैं 9C8 एग्जैक्टली यही टाइप करें। मैंने टाइप किया, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एग्री करूँगा, रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं थैंक यू, अब थैंक यू आ चुका था, आप खुद ही देख सकते हैं, वीडियो को रोक के चाहे देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है, मुझे आ गया है मैसेज मेरे फ़ोन पे, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर अकाउंट, योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस मुझे बता दिया गया एंड पासवर्ड। ओके, अब मेरे को क्या करना होगा, इसे कट करता हूँ। एडमिशन्स के लिए ठीक है, लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन कैसे होगा यहाँ पे। ओके, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो क्लिक करके आ सकते हैं, पहले मैं जीमेल चेक कर लेता हूँ। ओके, ये मेरी जीमेल है, जीमेल में मेल आ गया है मेरे। ओके, तो वैलिडेट ईमेल आईडी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखते क्या होता है। ओके, ये आ गया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं PGDM का यहाँ पर है अवेलेबल एप्लीकेशन फोर्स, यहाँ पर डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर्स मार्केटिंग, मास मीडिया मैनेजमेंट, जिसके लिए आप चाहते हैं अप्लाई करना कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट के लिए करना चाहूँगा तो आप अप्लाई नाउ पर मैं आप क्लिक कर दूँगा, मेरे को फीस भी वहीं पे दिख जाती है। स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल है, स्ट्रक्चर से आप क्लिक करेंगे और इसे पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर चूजिंग इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की क्वालिफिकेशंस वगैरह, सो यहाँ पर इसे टिक करनी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर टाइटल बतानी होती है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल डिटेल्स यहाँ पर देनी होती है।
रिलीजन्स आपकी बता सकते हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम्स, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, आधार कार्ड नंबर चाहिए, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरीज आईडीज़ वगैरह लगता है यहाँ पर, अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट्स, स्टेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नेशनलिटी यहाँ पर जहाँ पर टिक करनी होती है, कंफर्म दैट आई एम द इंडियन सिटीजन्स। अब टिक करना होता है कि आप इंडियन सिटीजन से रहते हैं, हाँ मैं इंडियन सिटीजन का ही हूँ, तो यहाँ पर आपको टिक करने होते हैं। रेफरेंस इफ एनी कोई आप देना चाहते हो दे सकते हैं। अपलोड योर रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आप अपना फ़ोटो जो रिसेंटली अभी नया नया अभी मतलब अपनी फ़ोटो जो खिंचा रहेगा वही आपको मतलब चाहिए ताज़ा नया चाहिए मतलब, ठीक है। अब वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देने की 500 KB मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए आपका फ़ोटो की साइज़। अब इस तरीके से देखने के बाद आपको नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट आ चुका हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ादर डिटेल देनी होती है, फ़ादर का नाम, मदर डिटेल देनी होती है, मदर मोबाइल नंबर, मदर मोबाइल नंबर, फादर एंड मदर, यहाँ पे सारी मदर की डिटेल्स, यहाँ पर सारा फादर का डिटेल्स। डिटेल्स देने के बाद आपको नेक्स्ट करनी है। एड्रेस देना होता है जहाँ पर कंट्री बतानी होती है, स्टेट बतानी होती है, डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है। सिटी बताने के बाद आपको देना होता है यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड नंबर और आपके पास परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको इसी एड्रेस के लिए यस करना होगा। अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है तो नो पे क्लिक करके दूसरा एड्रेस आप फिल कर सकते हैं चाहे तो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक एड्रेस है, यस पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स दे देनी होती है, यहाँ पर जहाँ पर ग्रेजुएशन स्टेटस बतानी होती है, पास हो चुके हैं तो पास पर क्लिक करें, अपना 10th क्लास इंस्टीट्यूट्स का नाम बताएं, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड था आपका कौन सा बोर्ड था वो बता सकते हैं, डिग्री बतानी होती है, डिग्री तो इसमें तो रहता ही नहीं, मार्किंग स्कीम बता सकते हैं, परसेंटेज में आई थी ऑप्टेन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश मीडियम था मेरा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर आए थे मेरे को 64 और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2010। ओके नेक्स्ट आपका इसी तरीके से 12th का इंस्टीट्यूट का नाम बताना, यानी कि कॉलेज का नाम, यानी ठीक है आपने कॉलेज में पढ़ा या फिर स्कूल में पढ़ा तो यहाँ पर बता सकते हैं। अब बोर्ड बताएंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा, सो यहाँ पर बहुत सारे आते हैं जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो इसमें है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर परसेंटेज बता सकते हैं, परसेंटेज बताने के बाद आपको यहाँ पर मीडियम बता देनी होती है, नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर आपने कौन से साल में कम्पलीट किया। अंडर ग्रेजुएट का यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ही इसी तरीके से बोर्ड यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं बीकॉम, बीबीए, बीएससी, अदर्स। मार्किंग स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं 86 इंग्लिश लिए यहाँ पर और आप देख सकते हैं। ओके इस तरीके से मेरा कंप्लीट। ओके अब यहाँ पर ग्रेजुएशन इन 3 ईयर टाइप्स आप चाहते तो बता सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप बतानी होते हैं ईयर वाइज CGPA मार्क्स यहाँ पर बता सकते हैं, परसेंटेज 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, ठीक है फर्स्ट ईयर में आपको कितने मिले थे, परसेंटेज बतानी होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 68, नेक्स्ट में 74, फिर इसमें 79, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, आपको है तो यस पे आंसर दीजिए, यहाँ पर आप वर्क एक्सपीरियंस बताइए, कंपनी का नाम, कब से कब तक आपने किया और टोटल एक्सपेंस कितना था, नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कीजिए, और हैव यू गिवन एनी क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट टेस्ट आप बता सकते हैं सही यस या नो में। अगर आपने कोई इंटरेस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करें और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आत्मा, कैट, जी मैट, मैट, एग्जैट, MHCET। स्टेटस बताएं यहाँ पर, आपका टेस्ट मंथ बता सकते हैं, कौन से मंथ में आपका टेस्ट हुआ था, टोटल स्कोर कितने आए थे और टेस्ट में आपके परसेंटेज कितने आए थे, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड योर 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट कर सकते हैं अपलोड, इसी तरीके से फ़ोटोज़, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स के जो आपने इंटरस एग्ज़ाम दिए थे, आधार कार्ड के फ़ोटो चाहिए, डिक्लेरेशन से यहाँ पर कंप्लीट करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर आपको आ जाता है सिटी, यहाँ पर भोपाल से कर रहे हैं, इंदौर से कर रहे हैं, लखनऊ से कर रहे हैं, पटना से, पुणे से कर रहे हैं,
जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ पर आप बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, और यहाँ पर टाइमिंग बता करके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, मेक पेमेंट पर क्लिक करके, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1017 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देने होंगे। प्लीज़ वेट, वेट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI सब यूज़ करके आप जिससे भी चाहें उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से। सो जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको बेटर अच्छे से समझ में, सो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं अपना अप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस और पेमेंट के प्रोसेस भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके पेज पर आएँ, अपना अप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।